सॉयल स्ट्रक्चर्स, तो इसके अंतर्गत हम लोग सॉयल के पार्टिकल्स के जो एजमेंट होते हैं उसी का स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, इसको सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब पार्टिकल का साइज 0.02 mm से बड़ा होता है तो उस केस में कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ग्रेवल, सैंड और सिल्ट के केस में कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है और सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। हनीकम स्ट्रक्चर, जब पार्टिकल का साइज 0.02 mm से लेकर के 0.0002 mm तक होता है तो उस केस में हनीकम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्ट और क्ले के केस में हनीकम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस केस में अनब्रोकन होता है तो कंपेरेटिवली इसका जो स्ट्रेंथ होता है और परमेबिलिटी जो होता है वो हाई होता है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर अगर ब्रोकन हो जाता है तो स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज कर जाता है, परमेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाता है। फ्लॉकुलेंट एंड प्लस डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तो इस केस में होता क्या है कि जब पार्टिकल का साइज 0.0002 mm से छोटा होता है तो फ्लॉकुलेंट या डिस्पर्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। इस केस में सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं ना वो डोमिनेट करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं। सॉयल का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉयल ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली क्या होता है, नेचर में फ्लैकी होता है। और सॉयल ग्रेन जो होते हैं इसके जो सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। जनरली इसके जो एज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सेंटर होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, इस केस पे जो नेट फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होते हैं और जो सॉयल ग्रेन के जो ओरिएंटेशन हो सकते हैं वो हेड टू फेस हो सकते हैं या फेस हेड टू हेड हो सकते हैं। इस केस में जो स्ट्रेंथ होता है और परमेबिलिटी होता है वो हाई होता है, कंप्रेसिबिलिटी इसका कम होता है। डिस्पर्स स्ट्रक्चर का बात करें तो इस केस में जो नेट फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है और सॉयल ग्रेन का जो ओरिएंटेशन होता है वो फेस टू फेस होता है। स्ट्रेंथ कम होता है, परमेबिलिटी भी कम होता है और कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है। मरीन के लिए जो है ना वो फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं और जो डिस्पर्स जो स्ट्रक्चर होते हैं लैक्स्ट्रीन सॉयल में पाए जाते हैं। क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स जो होते हैं उसके जो फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो सिल्का टेट्राहेड्रोनिट होते हैं एंड ऑक्टा टेट्राहेड्रोनिट होते हैं। सिल्का टेट्राहेड्रोनिट के केस में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है और इसके वर्टेक्स पे ऑक्सीजन होता है और इसके सेंटर पे सिल्का होता है। नेट चार्ज जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका सिंबल ट्रेपेजॉइडल होता है। और ऑक्टा टेट्राहेड्रॉन का बात करें तो इसमें 6 यूनिट OH- का होता है जो कि वर्टेक्स पे होता है और इसके सेंटर पे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन हो सकता है। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। जब सेंटर पे एल्युमिनियम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं गिब्साइट यूनिट, जब मैग्नीशियम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रूसाइट यूनिट और जब आयरन होता है तो उसको इसको बोलते हैं फेराइट यूनिट। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ये जो होते हैं ना ये शेयर्ड बिटवीन द 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, एक जो यूनिट होते हैं ये 3 के साथ शेयर्ड होते हैं और इस पर नेट प्लस 1 चार्ज होता है। इसका जो सिंबल होता है वो रेक्टेंगल होता है, केओलिनाइट। तो केओलिनाइट जो होता है ना ये एक क्ले मिनरल है। ये इस केस में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो 1:1 रेशियो में पाए जाते हैं, मतलब सिल्का टेट्राहेड्रल यूनिट और ऑक्टा टेट्राहेड्रल यूनिट का जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। इसके एक यूनिट का जो साइज होता है वो 7 एंगस्ट्रॉम का होता है। 2 यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके कारण इसमें लेसर स्वेलिंग एंड लेसर श्रिंकेज होता है। इसके जो लेयर्स होते हैं उसके जो टोटल थिकनेस होते हैं वो 50 to 200 नैनोमीटर तक वेरी कर सकते हैं। हेलोसाइट्स, तो केवलिनाइट ग्रुप्स का ही एक क्ले मिनरल्स है जिसमें 1:1 रेशियो में बिल्डिंग ब्लॉक्स पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकली एक्चुअली जो आपका केवलिनाइट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है लेकिन वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चाइना क्ले जो होता है ना ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केवलिनाइट होता है। मोंटमोरिलोनाइट्स, इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो 2:1 रेशियो में पाए जाते हैं, मतलब सिल्का टेट्राहेड्रॉन 2 यूनिट पाए जाते हैं और ऑक्टा टेट्राहेड्रॉन 1 यूनिट पाए जाते हैं।
ये मोस्ट कॉमन मिनरल सबसे क्ले है। क्ले का ये मोस्ट कॉमन मिनरल है। इसका जो साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रम होता है। सिलिका टेट्रा यूनिट में जो सिलिकन पाया जाता है वो एल्युमिनियम आटम से रिप्लेस होता है। देन उस पर क्या आ जाता है, एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम से बैलेंस किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशंस। मोंटमोरिलोनाइट जो होते हैं ना उस केस में वीक वाटर बॉन्ड पाया जाता है। इसके कारण जो दो यूनिट होंगे वो वाटर बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। तो वाटर बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, उसके कारण इसमें हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज पाया जाता है। टोटल थिकनेस ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स के लेयर के जो टोटल थिकनेस होते हैं वो 3 नैनोमीटर के होते हैं। ब्लैक कर्टन सवाल जो है ना, ब्लैक कर्टन सवाल जो है ना, इसमें हाई मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है। इलाइट इस केस में भी 2:1 रेशियो में बिल्डिंग ब्लॉक्स पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोंटमोरिलोनाइट का सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिलिका होता है ना, सिलिका एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया जाता है और ये रिप्लेसमेंट 20% से ज़्यादा का हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, इलाइट हो जाता है। इस केस में नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना वो पोटेशियम के द्वारा बैलेंस किया जाता है। इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और जो आयनिक बॉन्ड होता है ना वो इंटरमीडिएट बॉन्ड होता है, मतलब वाटर बॉन्ड से जो होता है ना ये स्ट्रांग होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। इसलिए इसमें जो स्वेलिंग होते हैं और सिंकेज होते हैं वो इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड इंटरमीडिएट सिंकेज होते हैं। टोटल थिकनेस का बात करें तो टोटल थिकनेस ऑफ लेयर जो होते हैं ना 13 नैनोमीटर होते हैं। लेटराइट सॉइल में इस तरह के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं।